बेसन की कढ़ी देखने में जितनी सुंदर लगती है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये बहुत ही टेस्टी सी बेसन की कढ़ी, मतलब पंजाबी स्टाइल में बनने वाली ये बेसन की कढ़ी शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप एक बार बना लेंगे ना, तो सच में आप इसके मास्टर हो जाएंगे। मतलब आप ना दूसरों को बताने लगेंगे कि हाँ कढ़ी कैसे बनाई जाती है। ये दिखने में थोड़ी सी लगती है कि हाँ ट्रिकी होएगा, लेकिन सच में विश्वास करिए इसमें कुछ भी ट्रिक्स नहीं होते, ये बहुत ही इजी रेसिपी होती है। बस बनाने से पहले तक हमें लगता है कि हाँ कढ़ी बनाना है तो थोड़ा टफ़ काम होगा, बस ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्याज कट कर लिए हैं। यहाँ पे जो मैं पकौड़े बनाऊंगी वो प्याज के बनाऊंगी। अगर आपको बेसन वाले पकौड़े बनाने जानने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी भी डेफ़िनेटली शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, धनिया और हरी मिर्च कट कर लिया है, और उसके साथ ना मैं यहाँ पे 2 से 3 स्पून तक बेसन डालने वाली हूँ। मतलब ये मैंने 2.5 स्पून तक बेसन अभी डाला है, बाद में 1 स्पून बेसन का इस्तेमाल मैं और करूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, मतलब वो डाला है टेस्ट मेकर, जो मैगी वाला वाला होता है वो। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना, मतलब प्याज जितना एब्जॉर्ब कर सकती है उस हिसाब से इसे यहाँ पे आपको मिक्स कर देना है। उसके बाद ही आपको इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा, नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि नमक हमें बाद में भी डालना होता है, और वैसे भी अगर पकौड़े में नमक ज़्यादा हो जाता है ना तो पकौड़े फैलने लगते हैं आपके। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसको बस सेम उसी कंसिस्टेंसी में बनाना है, जैसे हम प्याज के पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना उस टाइप के लिए जैसा बनाना होता है बस वैसे ही बनाना होता है। यहाँ पर 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल मैंने बाद में और भी किया है, और इसमें ना ही मैंने कोई सोडा डाला है ना ही कोई इनो डाला है। बस इसका एक ही सीक्रेट है, इसे फेंटना बहुत देर तक, मतलब 10-15 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटना होता है। उसके बाद आपके पकौड़े इतने बड़े, मतलब अपने साइज़ से बड़े भी होंगे और इतने सॉफ्ट बनेंगे ना कि रिज़ल्ट आप खुद ही देख पाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने अपना तेल अच्छे से गरम कर लिया है, और अगर आप चाहें तो हाथ की हेल्प से छोटे छोटे पकौड़े डाल लें। मैं यहाँ पे हाथ एक बार धुलने के बाद मैं दोबारा हाथ नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ स्पून की हेल्प से डाला। और ये वाले पकौड़े मैंने ना, मतलब फर्स्ट बैच में जो मैंने पकौड़े निकाले हैं ना, ये थोड़े बड़े बड़े हैं। बाद में अगर आप चाहें तो इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन अब अगर ऐसे पकौड़े बन रहे हैं ना तो कौन नहीं खाना चाहेगा ये पकौड़े, तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़े से निकाल लेती हूँ। 1-2 तो ऐसे भी खा सकती हूँ ना, मतलब ये प्याज के पकौड़े तो वैसे भी यमी लगते हैं ना। तो मतलब इस स्टेज तक हमारे ये प्याज वाले पकौड़े बन के बिल्कुल तैयार है, जो कि मैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा डार्क ब्राउन तक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इससे भी कम थोड़ा भून सकते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा येलोइश ही रहने देंगे, क्योंकि ये जब बाद में कढ़ी में डाल के पका लेते हैं ना तो भी पक जाते हैं। और अगर आपके पास बड़े नेल्स हैं तो आप उनका इस्तेमाल करके अपने गरम गरम पकौड़ों को भी छू सकते हैं। अगर नेल्स बड़े नहीं तो प्लीज़ मत छूइएगा, वरना जल जाएंगे आप। उसके बाद जो सेकंड बैच के मैंने पकौड़े छाने थे ना, वो मैंने थोड़े छोटे छोटे डाले थे, क्योंकि ये तो मैं टोटली कढ़ी के लिए हिसाब से ही बनाने वाली हूँ। तो अगर आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे पकौड़े निकालना चाहते हैं वैसे पकौड़े निकाल लीजिए। उसके बाद ना आपने सारे पकौड़े निकाल लेने होते हैं, और निकाल के इसे एक दूसरे तरफ बर्तन में शिफ्ट कर देना होता है। मतलब किसी भी पेपर बर्तन में रख दीजिए डायरेक्ट, या थोड़ा सा टिश्यू पेपर लगा के रख देंगे। आप देख सकते हैं ना कि पकौड़े कितने सॉफ्ट बने, मतलब बहुत गर्म थे तो इसलिए मैं हाथ से टच नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप मेरे छूने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा ना कि ये कितने सॉफ्ट बने थे। सच में जब आप अपनी कढ़ी, मतलब ये इनको अच्छे से फेंट देंगे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। उसके बाद ना मैंने सेम बर्तन में जिसमें मैंने पकौड़े बनाए थे उसी में मैंने 1 कटोरी बेसन लिया, और 1.5 कटोरी यहाँ पे मैंने दही लिया है। दही थोड़ा सा क्या कहते हैं गाढ़ा वाला लीजिएगा, और दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। गाढ़ा वाला नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन दही थोड़ा खट्टा होगा तो ये आपकी कढ़ी के लिए अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे दूसरे बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सेम बर्तन में इसलिए किया क्योंकि उसमें ऑलरेडी बेसन लगा हुआ था, तो उसे मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और एक साथ 2 बर्तन क्यों ही धुलना, मतलब एक काम के लिए जब काम ईजिली हो सकता है। तो उसके बाद ना पहले आपको इसको एकदम बिल्कुल लम्प फ्री कर लेना होता, मतलब इसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, उस तरीके का आपको इसे फेंट लेना होता। उसके बाद आपको जितना भी पानी ऐड करना है ना आप पानी ऐड कर सकते हैं, मतलब आप जिस प्रकार से अपनी कढ़ी की कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं ना उस हिसाब से आप पानी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। इसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत पानी चाहेंगे तो बाद में आप डाल सकते हैं अपनी कढ़ाई में भी। उसके बाद ना, मतलब मैंने यहाँ पे अपना बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बना के तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा मैंने हींग डाला है, और हींग के साथ मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी राई, मतलब थोड़ा थोड़ा तीनों चीज़ डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन। लहसुन से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़े से करी लीव, मतलब 7-8 पत्ते करी लीव्स के भी डाल दिए हैं। उसके बाद जब हमारा तड़का हो जाता है तो ये जो हमने बैटर बना के रखा है ना वो डाल देना होता है। और एक तरफ से आप अपना बैटर डालिए और दूसरी तरफ से
आपको ना अपनी इस दूसरे वाले हाथ को ना बिल्कुल ड्यूटी पे रखना होता है, मतलब जब तक आपकी कढ़ी में अच्छा बॉईल नहीं आ जाए तब तक आपको अपना ना तो कलछी छोड़नी है ना कुछ करना है, मतलब दूसरे हाथ से आप पानी डालें कुछ भी करें लेकिन एक हाथ से ना आपको बस ये लगातार चलाते रहना होता है, मतलब इसको तब तक चलाना है जब तक कि इसमें एक अच्छा बॉईल ना आ जाए। और हाँ, यहाँ पे मैंने हल्दी डालना मैं भूल गई थी तो मुझे लग रहा था कि कलर में कुछ मिसिंग है, लेकिन राइट नाउ मुझे वो परफेक्ट कलर मिल गया था। बाकी आप अगर पहले से अगर आपने हल्दी घोल में डाल दिया है तो यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करिएगा। उसके बाद ना ये 10-15 मिनट तक हमने अपनी कढ़ी को अच्छे से पका लिया, मतलब ये जब बॉईल आ जाता है ना उसके बाद भी ना कढ़ी को अच्छे से पकाना होता है, और जब तक हमें बॉईल ना आए ना तब तक एक बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा कि तब तक हमें लगातार अपनी कढ़ी को चलाते रहना है। और हाँ, वो जो पकौड़े हमने बना के रखे ना वो तब तक नहीं डालने हैं जब तक कि कढ़ी में बॉईल नहीं आ जाए। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी कढ़ी फट जाती है ना, बस यही रीज़न होता है कि जल्दी जल्दी हमने डाला और पकौड़े डाल दिए या हमने इसको लगातार चलाया नहीं, तब ये कढ़ी फट जाती, क्योंकि इसमें बेसन और कर्ड पड़ा होता है, दही पड़ी होती है, तो ये दोनों बाइंड होकर फटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा, 100% गारंटी आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी। और हाँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसे 10-12 मिनट तक और पका लेना होता है, और जब ये पक के तैयार हो जाएगी ना तो आपके सारे पकौड़े बहुत अच्छे से फूल के एकदम अच्छे से ऊपर भी आ जाएंगे। और ट्रस्ट मी, अपनी साइज़ से ना ये थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जितना आपने इसमें डाले होंगे ना आउटकम उससे बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब जब आप पर्सनली बनाएंगे ना तब आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आपके पकौड़ों की साइज़ काफ़ी हद तक बड़ी हो गई थी। तो ये मेरे बिल्कुल अच्छी सी और टेस्टी सी कढ़ी बनके तैयार थी। उसके बाद ना मैंने इसमें थोड़े से धनिया की पत्तियाँ डाल दी थी, इससे उसका लुक और भी अच्छा हो गया था। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, आपके घर में कोई ऐसा है जिसे नहीं पसंद, बाकी धनिया की पत्तियाँ किसी ही नहीं पसंद होंगी, लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं जो बच्चे बच्चे जिन्हें नहीं पसंद है तो ना ही डालिएगा, वरना इससे इसका लुक बहुत अच्छा हो जाता। उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा इसे और खट्टा करने के लिए इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लिया, और लेमन जूस आप हमेशा कढ़ाई बंद करके ही डालिएगा, मतलब किसी और चीज़ में तो आप डाल भी सकते हैं लेकिन अगर आपने यहाँ पे कर्ड का इस्तेमाल किया है दही के साथ तो बिल्कुल कढ़ाई पे मत डालिएगा। उसके बाद ना फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और घी का तड़का डाल देना होता है, जिससे ना ये कढ़ी का टेस्ट 2 गुना 4 गुना 5 गुना कितने गुना बढ़ जाएगा वो मैं गुना नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जब आप ये बना के ट्राई करेंगे ना तो सच में आपको एहसास होगा कि सच में आपकी कढ़ी का टेस्ट तो डेफिनेटली पहले वाली कढ़ियों से डिफरेंट है। बस उसके बाद हमें क्या करना होता है ना, अपनी प्लेटिंग कर लेनी होती है, और मैक्सिमम कढ़ी का कॉम्बिनेशन तो राइस के साथ ही होता है ना, तो बस यहाँ पे राइस ले लेना और राइस के साथ आपने कढ़ी सर्व कर देनी है और खा लेना है। बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी बन के तैयार है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो उस थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स, मतलब धनिया की पत्तियों के साथ इसकी थोड़ी बहुत और गार्निशिंग कर सकते हैं इसके लुक को और एनहांस करने के लिए, लेकिन बस कढ़ी तो आपकी अभी बनके तैयार ही हो गई। और हाँ, आप देख सकते हैं ना कि जस्ट टच करने से इसके पकौड़े फट जा रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने सॉफ्ट बने होंगे ना। तो बस ये रेसिपी ट्राई करना तो ज़रूर बनता है, और अगर आपको भी कढ़ी खाना पसंद है ना तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस वाली कढ़ी के साथ ना मैंने अपना ये स्पेशल सा अचार भी सर्व किया था जो कि सच में बहुत ही टेस्टी था, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। तो बस खाएं पिएं एंजॉय करें, और ये रेसिपी अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे नेक्स्ट बताइए कि मैं आपके लिए और क्या कुक कर सकती हूँ। और अगर आपने वो वाली कढ़ी भी ट्राई करनी है ना जो बेसन के पकौड़ों के साथ बनती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ वो वाली रेसिपी भी ज़रूर शेयर की करूँगी। तो बस खाएं पिए खुश रहें, अच्छा लगा तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे, जस्ट ट्राई इट।